हेलो एवरीवन, आज हम आपको बनाने सिखा रहे हैं पनीर की भुजिया। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम बताते हैं आपको पनीर की भुजिया के लिए मटेरियल। सबसे पहले हमें चाहिए इसमें पनीर, अनियन, हरा धनिया, दो टमाटर, दो छोटी हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा। अब हम पनीर को मैश कर लेंगे और अनियन को चॉप कर लेंगे। अब हम इसमें कढ़ाई रख दी है फ्लेम पर। अब हमने इसमें कढ़ाई में थोड़ा तेल गरम कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे सबसे पहले जीरा। ये हमने जीरा ऐड कर लिया है और जब ये थोड़ा हल्का ब्राउन हो जाए इसमें हम दो छोटे हरी मिर्च काट करके इसको डाल देंगे। इससे ग्रीन चिली का अलग ही फ्लेवर आता है अगर हम जीरे के साथ डालें। अब हम इसमें अनियन डाल देंगे और इसको हल्की आंच पर हम भूनेंगे। और देखिए गाइज, ये हम इसको भून रहे हैं और इसका कलर जब हल्का ब्राउन हो जाए तब तक इसे चलाते रहिए। अब इसका कलर हल्का ब्राउन हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे, ये देखिए गाइस, अब इसका हल्का ब्राउन कलर हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, अपना जैसा भी आपका स्वाद हो, थोड़ा सा मिर्ची, धनिया, कोरिएंडर पाउडर और ये गरम मसाला। गाइस, ये हमने सब एक बार में ले लिया है। अब हम इसको भुनी हुई प्याज में मिक्स कर देंगे। ये देखो गाइस, ये हमने अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अभी छोटे टमाटर लिए थे कटिंग करके, इसको भी इसमें मिक्स कर दिया है। और ये गाइस देखो, हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये अच्छी तरह से मैश ना हो जाए। इसमें हम थोड़ा सा अदरक जो हमारे पास था उसको हमने चॉप करके अदरक भी मिक्स कर लिया है। और देखो, ये अब हमारा अच्छी तरह मिक्सचर रेडी हो रहा है। अब ये हो गया है रेडी। अब हम इसमें अपना मैश किया हुआ पनीर डालकर अच्छी तरह से भूनेंगे। पाँच मिनट तक इसको पकाएंगे और अब हम इसमें कोरिएंडर अपना ये ऊपर से डाल देंगे। और गाइज, ये हमारा पनीर की भुजिया रेडी हो चुकी है। तो गाइज, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो फटाफट से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो और इसके चटपटे मज़े लो। थैंक यू गाइज़।